अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये है सीएबी एनआरसी का प्रतियां है, जिसको जमशेदपुर मजलिस के कार्यकर्ता और राज शरीफ भी शामिल हैं। हम लोग इसका विरोध करेंगे और आखिरी दम तक विरोध करेंगे। हर कार्यकर्ता से लेकर के हर गली चौराहे से लेकर के जितना मुमकिन हो सके हम इसका विरोध करेंगे, आखिरी दम तक विरोध करेंगे। मजलिस के जितने भी कार्यकर्ता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि आचार संहिता लागू है, लेकिन हम पुरमन तरीके से ओल्ड पुरुलिया रोड के कार्यालय के समीप में हम एनआरसी और सीएबी का जो है प्रतियां को हम जलाएंगे और विरोध करेंगे। रियाज साहब से गुजारिश है कि प्रतियों को जला करके विरोध प्रकट करें। आप देख एक काला कानून को हमारे सदर ने जब जैसा कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा सदन में, जमशेदपुर में फाड़ रहे हैं, और ये काला कानून किसी भी सूरत में काबिले बर्दाश्त नहीं है। किसी भी सूरत में इसके लिए कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े। हम आचार संहिता का ध्यान रखते हुए पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज को दर्ज करा रहे हैं। इंशाल्लाह आगे 23 के बाद जब आचार संहिता हट जाएगा, तमाम हमारे उलमा और अकाबरीन से मशवरा करके पुरजोर तरीके से हम लोग इसका एहतजाज करेंगे। और हम संविधान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहेंगे। संविधान जिंदाबाद, बोलिए संविधान जिंदाबाद, बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीम जय भीम। तो आज जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के पुरेलिया रोड में मजलिस की पूरी टीम यहां मौजूद है, और जिस तरह से आप लोगों ने दो दिन कबल देखा कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एनआरसी के बिल को लोकसभा में फाड़ के अपनी मुखालफत का इजहार किया, इस बिल के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में मजलिस के पूरी टीम यहाँ मौजूद है, और MIM का शुरू से स्टैंड रहा है, हमारा एजेंडा क्लियर है NRC और CAB पर, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल पर, कि हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। ये मामला किसी विशेष धर्म का, मुसलमानों का नहीं है। आज से 15 अगस्त 1947 को एक मरतबा हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, और आज की ये कॉमनल और फासिस्ट ताकतें दोबारा इस हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहती है धर्म के नाम पर, जो कहीं भी काबिले कबूल नहीं है। MIM का स्टैंड CAB और NRC पर एकदम क्लियर है कि हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, और लोकसभा के बाद राज्यसभा में ये बिल पास हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा कि सो कॉल सेकुलर पार्टियों का चेहरा आज क्या है, क्या उनका स्टैंड है, जो आज वो अपने मंच से कहते थे कि वो मुसलमानों के और अल्पसंख्यकों के हितैषी बनते थे, कहाँ गए वो जब राज्यसभा में आज भी भाजपा की मेजोरिटी नहीं होने के बावजूद किस तरह से NRC और जो है CAB पर बिल पास होता है, और ये लोग सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। नाम नेहाद सेकुलर लीडर्स, उनसे जवाब मांगेगी ये जनता। जो झारखंड के दो चरण के चुनाव बाकी है, आप अपनी आँखों से खुले आँखों से देखें कि कौन है जो आपकी हक की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहा है। वो वही शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, और हम उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए उनके जितने सिपाही यहाँ मौजूद है, चाहे जमशेदपुर हो या झारखंड के किसी ज़िले किसी इलाके में, हम NRC की पुरजोर मुखालफत करते हैं, क्योंकि 23 तारीख तक आचार संहिता लगा हुआ है। हम कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का पालन करते हुए हमने अभी जो है CAB बिल की कॉपियाँ यहाँ जलाई है। 23 तारीख के बाद एक बड़ा मुजाहरा जमशेदपुर में होगा, जिसमें तमाम लोग, तमाम धर्म के तमाम लोग शामिल होंगे, जिसमें हम मुखालफत करेंगे और आवाम को, यहाँ की जनता को बताएंगे कि NRC कितना ख़तरनाक कानून है। हमारे तमाम आदिवासी और दलित भाई इसमें हमारे साथ है, हमारे अल्पसंख्यक भाई, उनका साथ हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि NRC मुद्दा मुसलमानों का नहीं है। आज जहाँ राफेल की फाइल गुम हो जाती है जिस देश में, उस राष्ट्र का मुख्य जो है गृह मंत्री अमित शाह, वो हमसे आपसे शहरियत साबित करने के लिए कहता है। एक ज़माने का तड़ीपार गुजरात का, उसको हमें नागरिकता की सर्टिफिकेट हमें अमित शाह से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बाय बर्थ बाय चॉइस जो है यहाँ के इंडियन हैं और रहेंगे।